स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। मैं हूं अभी दौंड जंक्शन पे और यहां से जा रहे हैं बारामती। दौंड और बारामती के बीच में सिर्फ 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है, मगर इस बीच में जो प्राकृतिक सुंदरता है वो मैं आज आप लोगों को दिखाने वाला हूं। तो बस बने रहिए और इंजॉय कीजिए। भाई साहब, सुबह का समय और टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, लेकिन फिर भी वेट कर रहे हैं ट्रेन की जो आएगी और हमें बारामती लेकर जाएगी। हाँ जी, तो फाइनली ट्रेन आ गई है। ये ट्रेन पुणे से बारामती जाती है। मैं मुंबई से आया था दौंड, यहाँ तक मेरा रिजर्वेशन था और अब यहाँ से बारामती चलेंगे। तो अब बैठते हैं ट्रेन पर और बाहर का जो प्यारा प्यारा सा नज़ारा आएगा वो आप लोगों को दिखाते हैं। हाँ जी, तो कैसा लग रहा है ये नज़ारा? दिल खुश हो गया ना एकदम। भाई साहब, ऐसा लगेगा कि आप एकदम कभी हरियाली के बीच में आ गए, कभी ऐसा लगेगा कि ले भाई साहब रेगिस्तान में आ गए। मज़ा आ रहा है एकदम अल्टीमेट। बने रहिए वीडियो में। ठंड का मौसम और ऐसे नज़ारे, भाई साहब अल्टीमेट मज़ा आ गया। बड़े बड़े स्टॉप तो भाई साहब सबने देखे होंगे। ये देखो छोटा सा सिरसाई, कितना बढ़िया एकदम, ना ज़्यादा भीड़ ना भड़का कुछ ना, एकदम बढ़िया। भाई साहब ये रूट ना, अगर आपको प्रकृति को देखना है ना, मतलब प्रकृति की जो सुंदरता है, आप अगर लाइफ में परेशान चल रहे हैं एक बार ही आ जाओ, दिल खुश। ये जो एरिया है ना बारामती तक, यानी कि दौंड से बारामती के बीच में, ये गन्ने के खेती के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पे गन्ने की खेती होती है बहुत ज़्यादा मात्रा में, आप देख भी सकते हैं वीडियो में। जैसे यहाँ भी आपको दिख रहा होगा कि इधर जो ये पौधे दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे गन्ने के ही पौधे हैं। हाँ जी, तो कैसा लग रहा है वीडियो? भाई साहब मज़ा तो आ ही रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर नए हैं तो। बाकी अब हम पहुंचने वाले हैं बारामती और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। अभी आगे बारामती शहर, जो कि बहुत ही बढ़िया है एकदम घूमने के लिए भी बहुत बढ़िया है, तो इसका भी एक वीडियो प्रॉपर बनाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए अब पहुँचने वाले हैं, तो वीडियो को यहीं करेंगे ख़त्म। अब आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।